गार्डन में हर तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। मैंने अपने गार्डन को अलग अलग सेक्शंस में बांट रखा है। ये मेरा फूलों का सेक्शन है जिसमें मैंने कई तरह के फूल लगा रखे हैं, और ये गर्मी के फूल हैं जो मेरे अभी तक चल रहे हैं। ये पोर्चुलाका है जो मल्टी कलर्ड है, ये सदाबहार है, ये जरबेरा है, कई रंगों का जरबेरा है और इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। और ये इसके बीच में मैंने थोड़ी सुंदरता और पीस देने के लिए मैंने एक बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है जिसको देख के बहुत शांति मिलती है। क्योंकि ये गर्मियों के फूल हैं इसलिए बरसात में उनको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो सदाबहार है इसको ज़रा से भी पानी ज़्यादा हो जाए या गमले में पानी रुक जाए तो ये बहुत जल्दी मर जाता है, एक ही रात में ये ख़त्म हो जाता है। और जो जरबेरा है इसको पानी से कोई नुकसान नहीं है, इसमें जितना मर्जी पानी दे दो लेकिन पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए। नॉर्मली कहा जाता है कि सैकुलेंट्स को और कैक्टस को छाया में रखना चाहिए, शेड में रखना चाहिए बरसात में, लेकिन अगर जगह नहीं हो तो आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए इसकी मिट्टी जो है, इसकी सॉयल है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो पोरस रहे और जितनी मर्ज़ी बारिश आए पानी नीचे से निकल जाएगा तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। पानी हर पौधे को चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये अडेनियम्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं इसमें, लेकिन बहुत डेलिकेट प्लांट है। इसमें पानी थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो इसकी जड़ गलने लगती है और ये धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन जैसे एक कैंसर किसी शरीर में असर करता है उसी तरीके से पानी ज़्यादा होना इसकी जड़ को इस तरह से असर करता है कि ऊपर से देखने में ये बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन धीरे 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 अचानक से आपको किसी दिन लगेगा कि आपका पौधा ख़त्म हो रहा है। इसको आप टच करके देखोगे तो ये गला हुआ होगा, इसका कोटेक्स जो है वो गला हुआ होगा और फिर आप उसको नहीं बचा सकते। और अगर आपको टाइम से पता लग जाता है कि इसका कोटेक्स गल रहा है तो आप उसको निकालिए, उसको काट दीजिए, जितना गल रहा है काट के उसको थोड़े दिन धूप में अच्छी तरह से सुखाइए और फिर से दोबारा मिट्टी बना के, पोरस मिट्टी बना के फिर लगाइए। उस मिट्टी में ज़्यादा रेत होनी चाहिए, खंगर होनी चाहिए, कंकड़ होनी चाहिए और सॉइल कम होनी चाहिए, तब आपके ये पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे क्रीपर्स लगाने का बहुत शौक है, हालांकि मेरे पास जगह बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई फूलों वाली क्रीपर लगाऊँ जो फैले भी और खूबसूरत भी लगे। ये राखी बेल है, इसमें बिल्कुल राखी की शेप के फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही खूबसूरत, और इसको पानी बहुत पसंद है। ये मेरा कैक्टस का सेक्शन है, इसमें तरह तरह के कैक्टस लगा रखे हैं। इनका मेन, इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये सब गल जाएंगे, इनकी जड़ गल जाएगी, इसलिए इसकी मिट्टी जो है, इसकी सॉइल जो है बहुत उसमें ड्रेनेज होनी चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा खंगर और कोकोपीट उसमें लगाओ तो ये ज़िंदा रहते हैं। बारिश का इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता लेकिन बस इसके नीचे से जो होल है वो खुला होना चाहिए और उसका पानी जैसे जैसे ऊपर गिरे वो निकल जाना चाहिए, तभी आपके कैक्टस सर्वाइव करते हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कैक्टस को बाहर नहीं रखना चाहिए, जैसे ही बरसात शुरू हो उनको शेड में कर दो, लेकिन अगर टेरेस के ऊपर शेड हो ही ना आपके पास तो इसका मतलब कि आप अपना शौक पूरा नहीं कर सकते। मैंने कैक्टस लगाए हुए हैं, इसी में बारिश भी पड़ती है, धूप भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, लेकिन मेरे कैक्टस बिल्कुल हेल्दी चल रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही राज है कि इसकी मिट्टी बहुत पोरस है, इसमें कोई भी चीज़ जमा नहीं होती, सब ड्रेन आउट हो जाती है। मैं पिछले साल नवंबर में ये कैक्टस लेकर आई थी बाहर से, इंडिया के बाहर से, और उस वक्त मुझे लग रहा था, सब मुझे कहते थे तुम्हारे चल नहीं पाएंगे, तुम्हारे टेरेस पे चल नहीं पाएंगे, लेकिन अब ये इतने छोटे छोटे लाई थी मैं और आज ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है ये और सर्वाइव करते रहेंगे। ये मेरे वाटर प्लांट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने झरना भी लगा रखा है ताकि एक पानी का बहाव दिखाई दे। और ये एक बाथरूम का टब है, वेस्ट टब है, जिसमें मैंने लोटस लगा रखे हैं और ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। मॉनसून में मच्छर पैदा होने का डर होता है इसलिए मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ, इसके सड़े हुए पत्ते निकाल के साफ़ करती रहती हूँ, इसका थोड़े 15-20 दिन के बाद पानी चेंज कर देती हूँ, सारा पानी ड्रेन करके इसमें नया पानी भरती हूँ। ये पानी की आवाज़ सुनने के लिए, और इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट हाइट्स पर दिया हुआ है ताकि ये एक झरने की लुक आ सके। इसको ऊपर से पानी गिर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, नीचे लोटस है, और इसी तरह से मैंने इनको स्टेप्स में किया हुआ है ताकि इनकी सुंदरता उभर के आए। पानी के पौधों के साथ ही मैंने ये एक डक्स का पैर रखा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो डक पानी की तरफ देख रही है, पानी की आवाज़ सुन रही है, जो कि बहुत ही आँखों को बहुत ही देखने में सुंदर लगती है और यहाँ बैठ के नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे वाटर प्लांट्स में कीड़े ना आए
उसमें मैं ज़्यादा पेस्टिसाइड्स नहीं डालती। ये नीम ऑयल है, उसको पानी के पौधों में डाल के स्प्रे किया जाता है, जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा हो वो मर जाता है और नए कीड़े मकोड़े नहीं आते। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। नेचर रोज़ है, इसको चाइना रोज़ भी कहते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत खूबसूरत गुलाब आते हैं। ये गुलाब के पौधे मेरे 7-8 साल पुराने हैं, जिनको मैं अक्टूबर के महीने में प्रून करती हूँ, इनको खाद मिट्टी चेंज करती हूँ, गमले पलटती हूँ और फिर से लगाती हूँ। क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको सारा साल हम छेड़ नहीं सकते। अगर इसकी हम एक टहनी भी काट देंगे तो उसमें एक डाईबैक नाम की बीमारी हो जाती है, जो ऊपर से काला होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपका पौधा ख़त्म हो जाता है। इसलिए अक्टूबर तक ये कितना भी भद्दा दिखने लग जाए, हम इसको काट नहीं सकते। अक्टूबर के महीने में इसको निकाल के, इसकी मिट्टी चेंज करके, इसकी कटिंग करके इसको दोबारा लगाएंगे तो फिर सर्दियों तक इसके बहुत खूबसूरत फूल आ जाएंगे। गुलाब को मानसून पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसको गर्मियों में भी दोनों टाइम पानी नहीं देना होता, एक टाइम पानी देना होता है। तो इसमें अगर पानी इकट्ठा हो जाए या इसकी ड्रेनेज ठीक ना हो तो ये सड़ने लग जाता है और ख़त्म हो जाता है। और बहुत कॉस्टली प्लांट है, इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको अगर पानी से बचाना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक नेट है जिसमें आलू प्याज और सब्जियां वगैरह आती हैं, इसको हम गुलाब में बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको। नॉर्मली हम लोग जब अपने गमले में मिट्टी भरते हैं पौधा लगाने के लिए, तो हम 2 इंच का छोड़ देते हैं ऊपर से, ताकि आप जब हम पानी डालें तो मिट्टी बाहर ना गिरे। लेकिन जब गुलाब को मानसून के पानी से ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाना हो, तो उसके लिए एक तरीका है कि हम पहले अपने गमले को पूरा ऊपर तक मिट्टी से भर लेंगे। मिट्टी ऊपर तक हम इसलिए भरते हैं ताकि पानी रुकने की, खड़ा होने की जगह ना रहे। और उसके बाद पानी गिरने, जब बारिश का पानी गिरेगा तो ये मिट्टी बाहर ना गिरे और गंद ना पड़े, उससे ये जो नेट है इसको मैं इसके ऊपर बिछा देती हूँ। और इसको बिछा के इसमें जितना भी पानी गिरेगा, बारिश का गिरेगा या हम पाइप से पानी देंगे, तो ये मिट्टी बाहर गिर के गंद नहीं पड़ेगा और हमारा पौधा भी सेफ रहेगा। नेट से अपने पौधे को प्रोटेक्ट करने के अलावा एक और तरीका है, ये जो टूटे हुए गमलों की गिट्टियाँ होती हैं, इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको रख लेना चाहिए। और जब लगता है कि मानसून ज़्यादा है और पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, तो अपने गमले को उठा के हल्का सा टिल्ट करके ये गिट्टी इसके पीछे नीचे लगा देते हैं और गमले को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना, नहीं तो गमला गिर जाएगा हवा से और पौधा भी ख़राब होगा, गंद भी पड़ेगा। और इसमें पानी भरा हुआ है तो इसको एक कपड़ा लेके इसके अंदर लगा देंगे और उसका पानी जो है वो जितना पानी एक्स्ट्रा आपके गमले में होगा वो इस कपड़े के थ्रू नीचे बह जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि ये कपड़ा जहाँ पे गिर रहा है उसके नीचे कोई और दूसरा पौधा ना हो, नहीं तो ये आपका पौधा बच जाएगा, उसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी। इसलिए ये धीरे 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 करके सारा पानी, आपका एक्स्ट्रा पानी, ये कपड़ा सोख लेगा और बाहर गिरा देगा। ये जो ये जाली वाला और ये कपड़े वाला जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, ये सिर्फ गुलाब के लिए है, क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको पूरे साल में आप और छेड़ नहीं सकते, उसको पलट नहीं सकते, उसकी मिट्टी नहीं निकाल सकते। सिर्फ अक्टूबर में ही गुलाब की देखभाल होती है, इसलिए इसके बीच में ओवर वाटरिंग ना हो उसका ही ये सबसे अच्छा तरीका है। मुझे तरह तरह के फल सब्जियां लगाने का भी बहुत शौक है। इस बारी सर्दियों में मैंने पाइनएप्पल लगाने की कोशिश की है। ये पाइनएप्पल है,
ये बहुत छोटा सा मैंने इतना सा लगाया था और अब ये ग्रो कर रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसमें फल भी आएगा। अब देखते हैं, इसमें मुझे इसका ये भी नहीं मालूम कि कौन से सीजन में फल आएगा, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, देखते हैं इसमें कब फल आता है। ये पीछे माल्टा है, इसमें सर्दियों में 4 माल्टे आए थे, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही टेस्टी थे, बहुत रसीले थे। हर साल इसमें 2-3-4 माल्टे आते हैं और ये 10 साल पुराना पौधा है। वो सामने नींबू है, इसमें ये कागजी नींबू का पौधा है, इसमें बहुत अच्छे नींबू आते हैं और अब थोड़े दिनों में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और नींबू से भर जाएगा। ये पिछले साल हमने 50 नींबू उतारे इतने छोटे से पौधे से। ये आम का पौधा है, ये 2.5 फुट का पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है, मैं नर्सरी से लेकर आई थी और अभी दिसंबर जनवरी में इसमें हमने 2 आम उतार के खाए, बहुत ही मीठे और बहुत ही अच्छे, चौसा आम का पौधा है ये। और वो सामने अनार का पेड़ है, उसमें अनार आते हैं, ये कंधारी अनार का पौधा है और इसमें बड़े अच्छे 2-3 अनार हर सीज़न में उतर जाते हैं। इनकी केयर भी, हर पौधे की सबसे ज़्यादा केयर है कि उसकी मिट्टी पोरस हो, नीचे का होल ठीक हो जिसमें से पानी निकल जाए, पानी इकट्ठा ना हो, और सारे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, मानसून में कोई पौधा नुकसान नहीं होता। ये मेरा हर्ब्स का सेक्शन है, इसमें तुलसी लगी हुई है, पुदीना लगा हुआ है, ऑरिगेनो लगा हुआ है, थाइम लगा हुआ है, और इन सब की केयर भी हम सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं कि इनमें वाटर लॉगिंग ना होने दें, इनकी ड्रेनेज बिल्कुल ठीक ठाक रहे और आपके पौधे बहुत अच्छे चलते रहेंगे। तुलसी के पौधे के लिए थोड़ी सी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है कि बरसात में इसके ऊपर ये इस तरह से बीज आ जाते हैं और ये जो बीज है इनको पिंच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका तुलसी का पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये तुलसी के जब बीज आते हैं तो उससे इसकी ओल्ड एज शुरू हो जाती है और वो ओल्ड एज इसको ख़त्म कर देती है थोड़े समय में, इसलिए ये जैसे जैसे आप इनके ये उतार देंगे तो आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा और फैलावट भी उसकी उतनी अच्छी होगी। ये अरबी है, वो हल्दी है, अरबी और हल्दी दोनों चीज़ें जुलाई में रोपी जाती हैं और ये फरवरी तक इसमें से फल निकलता है। इसको इसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और जब पीले होके बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं तो उससे हमें समझ आ जाती है कि हल्दी तैयार हो गई है। अरबी के पत्ते हमारे को और भी कई काम आते हैं, खाने के काम आते हैं, इनकी सब्जी भी बनती है, इसके पकौड़े भी बनते हैं और ये बहुत ही स्वाद, बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार होती है। ये गुड़हल का पौधा है, हाइबिस्कस भी कहते हैं इसको। ये इसमें गर्मियों में एक बहुत भयंकर कीड़ा लग जाता है जिसको मिलीबग बोलते हैं, वो सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है जो इसके पूरे तने के ऊपर पूरा चिपक जाता है और वो ख़तरनाक कीड़ा होता है, उससे ये पौधा कभी बच नहीं पाता। इसलिए इसको अगर आपने बचाना है तो आप इसको शैम्पू स्प्रे करें, पानी में डाल के शैम्पू उसको अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद फिर साफ़ पानी से धोएं तो वो कीड़ा मर जाता है। ये मेरा पौधा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल मर गया था मिलीबग की वजह से, लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट किया तो अब इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। ये बाकी के मेरे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये क्लोरोफाइटम है, इसको स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट्स बहुत सुंदर बनती हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है और इसके गुच्छे नीचे लटकते हैं, उन्हीं को अगर दोबारा आप मिट्टी में डाल के दोबारा से प्रोपोगेट करें तो आपके उसके बहुत से पौधे तैयार हो सकते हैं। क्लोरोफाइटम को मानसून में थोड़ा पानी से बचाना पड़ता है, बहुत ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर इनको बास्केट्स में लगाया जाता है ताकि इनका पानी ड्रेन हो जाए। ओरिएंट लिली है, इसमें बहुत खूबसूरत फूल आता है, सर्दियों में इसमें फूल आएगा। ये अरेलिया है, ये ग्रीन प्लांट है, ये घर में अंदर भी रखा जा सकता है, बाहर भी रखा जा सकता है, आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
गार्डन्स हैं, एक छोटी सी स्पेस में एक पूरा लैंडस्केप क्रिएट करना मेरा शौक है और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा यही है। मैं बहुत सारी ट्रेज बनाती हूँ, इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्दी मानसून में तो बहुत जल्दी इनके पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं और एकदम जंगल बन जाता है और सारा एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। इसलिए इनकी ट्रिमिंग और कटिंग टाइम टू टाइम हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी खूबसूरती बनी रह सकती है। पानी इनमें ज़्यादा नहीं रुकता क्योंकि इनमें पत्थर वत्थर बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, पानी ज़्यादा नहीं रुकता लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। ये 8-8, 10-10 सालों की पुरानी बनी हुई ट्रेज हैं और ये भी 4-4, 5-5 साल पुरानी बनी हुई ट्रेज हैं। बस इनकी मेंटेनेंस करती हूँ, इनकी कटिंग प्रूनिंग करती हूँ, इनको साफ़ करती हूँ और ये इसी तरह से रहती हैं। कोई मौसम का असर मैं इनके ऊपर नहीं होने देती। ये मेरा ऊपर बॉन्ज़ाई सेक्शन है, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे बॉन्ज़ाई बनाऊँ और काफ़ी मैंने इनकी कलेक्शन की हुई है और मैं कोशिश करती हूँ कि मानसून का इनके ऊपर कोई असर ना हो। इनकी ये शैलो ट्रेज हैं इसलिए इनमें पानी जमा नहीं होता लेकिन फिर भी इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, इनकी ट्रिमिंग प्रूनिंग टाइम टू टाइम करना पड़ता है। ये कटिंग और प्रूनिंग करना ट्रे का बहुत ज़रूरी है, जो ये पौधे बाहर निकलने लग जाते हैं इनको अंदर रखना ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी पौधे बाहर लटक रहे हैं उनको हम नीचे नीचे के पौधों को हम कैंची से काटते हैं और जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उनको कभी कैंची नहीं लगाना होता, उनको पिंचिंग करनी होती है। अगर आप उनको कैंची लगा देंगे तो वहाँ से रॉट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा पत्ते जितने भी हैं उनको पिंच करके आप तोड़ दीजिए और इसको मेंटेन करके इस तभी रख सकते हैं जब इनकी पिंचिंग हो। जो सिरेमिक के आर्टिफैक्ट्स हैं वो उनको मैं धूप में, बारिश में, हर मौसम में पड़े रहने देती हूँ, लेकिन जो ख़राब होने वाले हैं, लकड़ी के हैं, कुछ हैं, उनको मैं बरसात में उठा के रख देती हूँ अंदर और फिर जैसे ही मौसम सूखा शुरू होता है तो उनको मैं ला के वापस सजा देती हूँ। मानसून में जब ज़्यादा बारिश होती है तो इस टाइप की सजावट की जो चीज़ें हैं जो गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं उनको ख़राब होने का, उनका पॉलिश ख़राब होने का या उनका गलने का जो डर होता है उसको अवॉइड करने के लिए मैं बड़े बड़े पॉलीथिन्स के साथ उनको कवर करके रखती हूँ। इस तरह से इनको कवर करके रखती हूँ ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। और मैं रस्सी से बांध देती हूँ ताकि हवा से इसका ये पॉलीथिन उड़ ना जाए और फिर इसकी प्रोटेक्शन बनी रहती है। मानसून में बारिश जब ज़्यादा होती है तो जैसे पौधों की ग्रोथ होती है उसी तरह कीड़े मकोड़ों की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। आपके पौधों में इतने बहुत ज़्यादा कीड़े आ जाते हैं तो उनकी देखभाल के लिए, उनको हटाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे नहीं करने हैं क्योंकि जो कीड़े हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक हमारे फ्रेंड कीड़े होते हैं और एक हमारे एनिमी होते हैं जो हमारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उनको मारने के लिए हम अगर स्ट्रॉन्ग दवाई डाल देते हैं, कुछ भी डाल पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं तो उससे जो हमारे फ्रेंडली कीड़े हैं जो उन कीड़ों को खा के उनको ख़त्म करते हैं या पॉलिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं वो भी मर जाते हैं या फिर उन स्मेल से वो आना बंद कर देते हैं तो हमारी जो पॉलिनेशन है वो रुक जाती है, स्लो ग्रोथ हो जाती है हमारे पौधों की। इसलिए कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डालें। उसके लिए हमारे पास ये नॉर्मल पानी है और ये कच्चा दूध है। कच्चे दूध को हम इसमें पानी में मिक्स करेंगे ये 2 बड़े चम्मच कच्चा दूध है, इसको पानी में मिक्स करके इसको हम इन पौधों के ऊपर पत्तों पे, फूलों पे स्प्रे करेंगे तो इससे इनको अच्छी कैल्शियम मिलेगी, ग्रीनरी बढ़ेगी, प्लांट्स हेल्दी होंगे और इसमें जो कीड़े हैं वो भी भाग जाएंगे और नए कीड़े नहीं आएंगे। मानसून के मौसम में कीड़ों को भगाने के लिए एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये 1 लीटर पानी, इसमें ये 1 सैशे शैम्पू का है, इसको इसमें मिक्स करें। इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको और इसका स्प्रे अपने पौधे को डालते हो तो उससे पहले उसको वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ उसमें कोई केमिकल बाय चांस है या कोई चीज़ नुकसान करने वाली है तो वो उसको पौधे को मारे नहीं। वाटरिंग हुई होगी तो उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। ये शैम्पू का पानी आप अपने सारे पौधों पे डाल सकते हैं ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा है तो वो भाग जाए और दोबारा नहीं आए। ये फिटकरी का पाउडर है जो कि नॉर्मल किसी भी दुकान पे आप मिल सकती है। इसका पाउडर बना के अगर हम
एक चम्मच के करीब अपने गुड़हल के पौधे, स्पेशली गुड़हल के पौधे में डालते हैं तो वो आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल देता है। और बारिश में जब इसके बीच में घुल जाएगा सारा पाउडर और सारी तरफ फैल जाएगा तो गुड़हल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फूल देता है और बहुत खूबसूरत हो जाता है। वैसे तो हर मौसम में मैं अपने पौधों का, अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन स्पेशली मानसून में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाते हैं, इंसेक्ट्स पौधों को खा लेते हैं, नुकसान कर देते हैं, इसलिए मैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। इसलिए देखिए मेरा गार्डन इस मौसम में भी कितना हेल्दी नज़र आ रहा है।